सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर YouTube चैनल। वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। एक बार फिर से आ गए हूं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग गाड़ी लेके, जो कि होने वाली मारुति की तरफ से आने वाली ग्रैंड विटारा। बहुत ही प्रीमियम गाड़ी देखने में लगती है और काफी बोल्ड लगती है। सारा कुछ बोल्ड बोल्ड इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप स्टार्ट करें फ्रंट ग्रिल से भी आप देखेंगे तो आपको काफी बोल्ड इसकी ग्रिल मिलती है। पूरा ऊपर और नीचे आपको क्रोम का जो इसमें ऑप्शन मिलता है, और जो क्रोम की पट्टियां हैं वो भी देखो कितनी चौड़ी चौड़ी है। प्लस जो एयर डम्स हैं इसके, ये ग्रिल देखो कितनी चौड़ी ग्रिल है, इतना हाथ भी चला जाएगा इसके अंदर, इतनी चौड़ी ग्रिल है। और यहाँ पे आपको जो है कैमरा मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा है, आपको काफ़ी अच्छा कैमरा मिलता है। तो 360 व्यू आपको पूरा इसमें मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे भी क्रोम मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है। प्लस इसकी जो इंडिकेटर है या इसके DRL कह लो, डुअल फंक्शन आपको ये होने वाले हैं। पूरे LED सेटअप आपको इसके अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे ये इंडिकेटर का भी काम करेगा, प्लस जो आप DRLs का भी काम करेगा। नीचे आपको इसमें ऐसे हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि प्रोजेक्टर होने वाले हैं, LED इसके अंदर मिलते हैं। यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे हेडलैम्प होने का फायदा ये कि अभी आपको फॉग लैम्प की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको यहाँ पे हेडलैम्प दिए गए तो आपको नीचे का भी व्यू अच्छा खासा मिलता है, और फ्रंट का तो अगर LED है तो ऑब्वियसली अच्छा मिलने ही वाला है। ठीक है, तो ऐसी सी गाड़ी की पूरी लुक रहती है फ्रंट से। काफ़ी प्रीमियम आती थी पहले, जो आती थी ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन में आती थी। साइड से अगर आप देखेंगे प्रोफाइल तो साइड से गाड़ी काफ़ी बड़ी लगती है देखने में, काफ़ी बड़ी और काफ़ी चौड़ी लगती है, काफ़ी सुंदर भी लगती है। ब्लू कलर है, वाइट कलर भी मैं आपको दिखा दूंगा अगर आपको देखना है। अपोलो के आपके सुंदर टायर मिल जाते हैं, 17 इंच के आपको व्हील मिलते हैं, 215/60 R17 आपको इसके अंदर व्हील दिए गए हैं। मशीन कट में मिलने वाले हैं जो कि डुअल टोन रहने वाले हैं, सिल्वर और ग्रे कलर आपको इसमें मिलता है। बेसिकली ORVM की अगर हम बात करें तो ORVM के ऊपर ही आपको इंडिकेटर दिया गया है यहाँ पे, और वो भी काफ़ी सुंदर लगता है। इस टाइप के आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है। पूरी अक्रॉस द गाड़ी क्रोम का वर्क आप देखने के लिए मिल जाएगा, क्वार्टर पैनल तक आपको क्रोम का वर्क देखने के लिए मिलता है। इस टाइप की रूफ रेल्स मिल जाती हैं ब्लैक कलर की, और यहाँ पे आप शार्क फिन टाइप मिल जाता है जो कि बॉडी कलर होने वाला है। ठीक है गाइस, तो ऐसी सी गाड़ी की पूरी लुक होने वाली है। पीछे की भी मैं आपको लुक दिखा देता हूँ एक बार, पीछे से गाड़ी कैसी लगती है। तो पीछे अगर आप देखेंगे आपको ग्रैंड विटारा की बैजिंग दी गई है पूरी। ये जो इसकी टेल लैंप्स है बहुत ही प्यारी लगती है, यहाँ तक पूरी लाइट है, मतलब पूरी जो एंड तक लाइट जाती है। तो सुजुकी का लोगो मिल जाता है, पीछे आपको 4 सेंसर मिल जाते हैं गाड़ी में, और यहाँ पे स्किड प्लेट्स आपको गाड़ी की जो है सिल्वर कलर की दी गई है। आपको पीछे वाइपर और डिफॉगर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाते हैं, आपको स्मार्ट हाइब्रिड का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड भी लिखा गया है। ऐसे से टेल लैंप्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर और ये रिवर्स के लिए, प्लस ये आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। और यहाँ पे भी आपको एक कैमरा दिया गया है ग्रैंड विटारा के जस्ट नीचे, अब देखिए यहाँ पे आपको कैमरा मिलता है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। तो ये सारी गाड़ी होने वाली है एक्सटीरियर से। अभी इंटीरियर्स की भी अगर हम बात कर लें तो इंटीरियर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ उस गाड़ी में कैसा सा है। जैसे आप खोलते हैं तो एक प्रीमियम फील आपको आने वाली है इस गाड़ी में, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पूरा प्लास्टिक यूज़ किया गया, प्लस यहाँ पे लेदर अपहोस्ट्री मिलती है, ये पियानो फिनिश में मिलता है, और ये आपको पावर विंडोज़ मिल जाते हैं, पूरे क्रोम के आपको इसमें वर्क मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन भी दिया गया है, जो डोर हैंडल है उसके अंदर इल्यूमिनेशन भी मिल जाता है। ठीक है, ऐसे डोर हैंडल मिल जाते हैं और मतलब काफ़ी अच्छी लगती है। अभी दिखा देता हूँ आपको AC वेंट इसके ऐसे से मिलते हैं, इस टाइप का आपको इसमें पूरा जो है लेदर टच मिलता है देखने में। ज़्यादा यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, प्लस यहाँ पे सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। अभी ड्राइवर साइड चल लेते हैं, उससे पहले पीछे का आपको मैं दिखा देता हूँ कितनी जगह है रियर साइड में। सो रियर में भी अगर आप देखेंगे आपको इस टाइप का डोर मिलता है, पूरा आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं, यहाँ पे इल्यूमिनेशन लाइट दी गई है, और यहाँ पे आपको पियानो में वर्क मिलता है पूरा। प्लस यहाँ पे आपको स्पीकर की जगह दी गई है, एक बोटो होल्डर की जगह दी गई है। अभी अंदर बैठ के अगर हम देखेंगे, सो अंदर गाइस आप देखेंगे तो ऐसी सी पूरी पैनोरामिक आपको सनरूफ इस गाड़ी में मिलने वाली है। ठीक है गाइस, तो ये ब्लाइंड है बेसिकली, ये ब्लाइंड हट जाता है और इसके पीछे पूरी पैनोरामिक सनरूफ होने वाली है। यहाँ पे आपको पीछे भी AC वेंट मिल जाते हैं, प्लस 2 चार्जर मिल जाते हैं, और गाड़ी बैठने में भी काफ़ी ठीक है, कंफर्टेबल, इतनी काफ़ी स्पेस मिल जाती है। ये सीट काफ़ी पीछे हो रखी है, आप देखेंगे ड्राइवर के मुकाबले तो ये सीट बहुत पीछे हो रखी है, और 3 लोग तो इसमें इजीली जा सकते हैं, तो सीट काफ़ी चौड़ी है। तो इतनी मतलब जगह आपको सर पे जगह मिल रही है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक जगह मिल जाती है। मेरा सर ऑलमोस्ट टच ही होने वाला है, थोड़ी सी जगह बची है, बट फिर भी मतलब ठीक फील होता है इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, और पीछे आपको जो है बूट स्पेस मिलता है, प्लस यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है। की तरफ अगर मूव कर लेते हैं, अभी यहाँ पे डोर पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है दोनों साइडों में, तो ऐसा सा आपको ड्राइवर साइड का डोर जो मिलने वाला है। यहाँ पे पावर जो है पावर डोर लॉक मिलते हैं, प्लस ऑल 4 पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, ये ORVM कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट, प्लस इल्यूमिनेशन मिल जाता है आपको डोर हैंडल के ऊपर भी। और नीचे आप देखेंगे सेम वैसा सही डोर है जैसा दोनों साइड होता है। सीट को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, तो सीट को पीछे करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल रहा है, प्लस यहाँ पे आपको जो है हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है, यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाते हैं,
कि इस गाड़ी की ऐसी होने वाली है जो मारुति की और गाड़ियों में भी आती है, तो इस टाइप का आपको लगभग पूरा इसमें व्यू मिल जाता है। जैसे देखो डोर वहाँ का ओपन है तो वो भी दिखाएगा, इधर का ओपन है वो भी दिखाएगा, प्लस पूरी स्पीड आपको दिखा रहा है कितना है। ऐसा सा स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है यहाँ पे, आपको क्रूज वगैरह सेट भी कर सकते हैं आप। इतनी बड़ी आपको स्क्रीन मिल जाती है इस गाड़ी में। मैं अपनी सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, प्लस तो ऐसा सा पूरा एसी का पूरा सेटअप होने वाला है। गाड़ी टूं टूं कर रही है अभी क्योंकि डोर्स खुले हुए हैं, ठीक है। वेलकम फीचर आपको मिलता है, सुजुकी का लोगो आएगा, इतनी बड़ी आपको स्क्रीन मिल जाती है, वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले भी आपको इसमें मिल जाएगा, ऐसे से एसी वेंट मिलते हैं। प्लस देखो पूरा 360 व्यू दिखा रहा है आपको कि आपकी गाड़ी के पीछे वो दूसरी गाड़ी खड़ी वो भी दिखा रहा है, साइड में ग्रिल है वो दिखा रहा है, पूरा 360 व्यू आपको इसमें मिल जाता है। ऑटोमेटिक एसी मिल जाते हैं, ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है दो चार्जर मिल रहे हैं, एक ट्रेडिशनल वाला और एक यूएसबी वाला, ठीक है। जो टॉप एंड वेरिएंट्स है उसमें आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाता है, ठीक है गाइस। उसके बाद ऐसा सा आपको इसमें पांच गियर का ऑप्शन मिलता है और ऑटो डिमिंग IRVM मिलते हैं। ऐसे से आपको जो है पे आपको जो है सनग्लास होल्डर मिल जा रहा है, उसके साथ आपको यहाँ पे जो है लैंप्स भी मिल जाते हैं, उसको ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। ऐसी ऐसी जो पैनारोमिक सनरूफ है, ये पीछे ब्लाइंड पूरा चला गया, पहले ब्लाइंड जाएगा उसके बाद पूरी सनरूफ जाती है इसमें। सो ये है आपकी सनरूफ के कंट्रोल जो यहीं पे मिलते हैं, पूरी खोल भी सकते हैं आप अगर आपको खोलनी है तो। यहाँ पे जो है पूरी जो डिटेल्स दिखाता है गाड़ी की कि गाड़ी में फ्यूल कितना है, उसके बाद रेंज कितनी है, जैसे 9.4 किलोमीटर पर लीटर की अभी ये फ्यूल इकोनॉमी दिखा रही है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आपको जो है एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है, काफ़ी बड़ा आर्मरेस्ट है, काफ़ी बड़ा सा आर्मरेस्ट मिल यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा सा आर्मरेस्ट मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको इसका हैंड ब्रेक दिया गया है और यहाँ पे पूरा गियर लीवर है, और गाड़ी में काफ़ी अच्छा फील होता है, एयरी एयरी फील होता है कि काफ़ी अच्छी जगह पे कहीं बैठे हुए हैं। तो ये पूरा आपको इस गाड़ी में मिलता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर चाबी रखने की जगह मिलती है, प्लस दो कप होल्डर मिल जाते हैं, और मतलब ठीक है यार, बहुत अच्छा मतलब फील मिलता है इस गाड़ी में बैठ के ना। जो गाड़ी का आपका ये स्क्रीन होने वाली है वो ऐसी सी होने वाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पूरी जो स्क्रीन है वो कैसी सी आपको मिलेगी। यहाँ पे हजार का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब थोड़ा प्रीमियम फील इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा लुक मिलता है, आप अलग अलग तरीके से इसको सेटिंग पे भी जा सकते हैं, ठीक है। होम पे जाएंगे तो आपको जो है एवरेज कितना दिखा रही है, आप अपनी डिवाइस वगैरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको मिल रहे हैं। मेन है कि इसमें वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले भी आपको गाड़ी में दिया गया है। तो बूट स्पेस एक बार दिखा देता हूँ आपको, इतना कुछ आपको इस गाड़ी में बूट स्पेस मिलने वाला है, जो कि काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। यहाँ पे आपको जो है नीचे स्पेयर व्हील मिल जाता है, और यहाँ पे साथ में जो है रिफ्लेक्टर वगैरह भी मिल जाता है। सीट पूरी A to Z पूरी जो सीट है वो आप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये पीछे का पूरा ऐसा सा लुक गाड़ी का रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।